हेलो दोस्तों, आज हम बनाने चल रहे हैं अपने किचन में पालक का चिल्ला। मैं दिखाती हूँ क्या क्या पड़ता है इसमें। इसके लिए मैंने एक बाउल पालक ले लिया, महीन महीन काट के धुल के अच्छे से, उसकी डंठी निकाल दी है सब। और एक कटोरी बेसन ली हूँ और अदरक लहसुन पेस्ट लिया है मैंने 2 स्पून करीब। 1 स्पून छोटा मैं अजवाइन लिया है, धनिया भी लिया है काट के बारी। मैं दिखाती हूँ, और पहले मैं बेसन डालेंगे इसमें, फिर पालक डाल देती हूँ। अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल देते हैं, अजवाइन डाल देते हैं इसमें, आधा छोटा इसमें रेड मिर्ची पाउडर डालेंगे। एक छोटा इसमें सब्जी मसाला डालूंगी। आधा इसमें हल्दी डालेंगे इसमें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, पालक में भी थोड़ा नमक रहता है। अब 1 स्पून के लिए मैं धनिया डालूंगी, बड़े स्पून से, जिसका मैं पेस्ट बनाऊंगी। मेरा घोल रेडी हो चुका है ऐसा ही, उसको 2 मिनट रख देते हैं, थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा पालक। मैंने इसके लिए एक तवा रख लिया है, तवा गरम कर रही हूँ, फिर मैं इसे चीला बना के दिखाती हूँ आपको। पहले तवा पे तेल लगाएंगे रिफाइन अच्छे से, थोड़ा मेरा पेस्ट रेडी हो चुका है। फैला देने का साल पालक भी, अच्छे से धीमी धीमी आंच पे सिक जाना चाहिए। मैं पलट देती हूँ, दोनों तरफ से अच्छे से सेक दूंगा। वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी कर देना। जो नए हैं बेल आइकन को जरूर दबाना। मेरा चीला रेडी हो चुका है, दूसरा भी डाल देते हैं। मेरा चीला रेडी हो चुका है। पालक का मेरे तरीके से बनाइए और खाइए, देखिए कैसा लगता है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। बाय बाय दोस्तों।